हाय दोस्तों, मधु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बचे हुए चावल की रेसिपी बनाने। तो देखिए दोस्तों, हमने बचे हुए चावल का रोटी बनाएंगे। तो ये हमने एक कटोरी चावल लिए हैं दोस्तों। अब इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे दोस्तों। तो देखिए, हमने ग्राइंडर जार में ले लिए हैं। अब इसको हम पीस लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब मेरा चावल अच्छी तरह से पिसा गया है दोस्तों। इसमें पानी नहीं डालना है, सूखा ही पीसना है। बहुत अच्छी तरह से पिस जाता है। तो अब हमने प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने प्लेट में निकाल रहे धीरे धीरे। तो हमने सारा निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चावल के आटा। तो देखिए दोस्तों, हमने चावल के आटे डाल के अच्छे से इसको सानेंगे। आटा की तरह इतना है। तो देखिए, जितना आटा, इतना चावल का आटा डाले कि जैसे आटा रोटी के लिए आटा गूंथे उस तरह हो जाना चाहिए। तो देखिए गूंजा गया। अब इसमें हम अजवाइन लेंगे और स्वाद अनुसार नमक। तो इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। इसमें पानी नहीं डालना है दोस्तों। अगर हाथ में छिपके तो हल्का सा ऑयल लगा ले। इसके बाद इसे अच्छी तरह से सान ले। तो देखिए, मेरा अच्छी तरह से सना गया है दोस्तों। अब चलो हम रोटी की तरह लोई बना लेंगे। तो देखिए, हमने बना लिए हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं, अब इसको हम, अब देखिए हम पैन गरम होने दे दिए। तब तक इसको बेल के हम तैयार करेंगे दोस्तों। तो देखिए, थोड़ा सा फटने लगा, इसलिए फट रहा है क्योंकि चावल का आटा डाले हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम बेल के इनके तवे के ऊपर रखेंगे। तो आपका तवा छोटा है तो आप एक से दो बना सकते हैं। हम देखिए एक साथ तीन डाले हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम सेक लेंगे दोस्तों, पलट देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको पलट दिए हैं। अब गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। देखिए, और जो बाकी था उसको अच्छी तरह से बेल के हमने रख दिए हैं दोस्तों। तो मेरा देखिए इधर फूल रहा है अच्छी तरह से। देख सकते हैं दोस्तों, फूल चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। एक हमने निकाल लिए हैं, वो अच्छी तरह से फूल चुका था। तो देखिए दोनों, ये दोनों भी मेरा तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब बाकी जो बचा है, अब इसमें हम तवे के ऊपर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दे दिए हैं। इसको भी अच्छी तरह से फुला के हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो फूल गया, अब इसे हम निकाल लेंगे दोस्तों। और देखिए, हमने निकाली, थोड़ा कच्चा है, इसको पलट देंगे। अब गैस को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। हाई फ्लेम करने के बाद जलने लगता है। तो दूसरा व्यू देख सकते हैं, प्लेट में लेके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कितना मुलायम बना है। ये गर्म है इसीलिए हम नहीं तोड़ पा रहे हैं दोस्तों। तो आप सब्जी या सॉस, चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में दोस्तों। तो आप बचे हुए चावल ना फेंके दोस्तों। और फेंकने से पहले ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद, और मेरा वीडियो पर बने रहे दोस्तों।